A very good noon to each and every one of you. I am Rucha Sharma and you are watching Parcham. आज का session थोड़ा delay हुआ है। हम दिन में 12 बजे session लेकर के आते हैं, because लेकिन क्योंकि मैं कल थोड़ी अनवेल थी और आज भी आई गॉट अप अ लिटिल लेट इसलिए मैंने आपका सेशन थोड़ा सा डिलेड रिकॉर्ड किया है आई एम रियली रियली सॉरी फॉर दैट माय अपॉलॉजीज चलिए आज हमें दो दिन के करंट अफेयर्स फॉलो करने हैं कल के और आज के और उससे पहले कुछ भी बात करें उससे पहले जितने भी पंजाबीज आर देयर सो आप सभी को बैसाखी की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं नॉट जस्ट द पंजाबीज इवन ऑल दोज हु सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल सो विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी बैसाखी चलिए आज मैंने नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया साग कैलेंडर की जगह खाली छोड़ी है बिकॉज आई वॉन्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू हुर विशेज टू ऑफ ऑफकोर्स आप इंडिया के जिस भी हिस्से से देख रहे हैं आप कौन सा कैलेंडर लोकली वहाँ फॉलो करते हैं और उसके हिसाब से कौन सी तिथि है आज वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कौन सा महीना चल रहा है कौन सा पक्ष चल रहा है और कौन सी तिथि है वो आप लिख कर के बताएंगे ठीक है चलिए तो थोड़ा बैसाखी के बारे में देख लेते हैं बैसाखी या वैसाखी जिसे कहा जाता है पंजाबी न्यू ईयर के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है इट मार्क्स द बिगनिंग ऑफ पंजाबी न्यू ईयर और इसको हार्वेस्ट सीजन की शुरुआत के तौर पर भी देखा जाता है तो अभी कौन सी फसल कट रही होगी राबी खरीफ कौन सी होगी जरा लिखिए हो, कमेंट सेक्शन में अभी हार्वेस्ट सीजन की शुरुआत मान रहा है पंजाब तो कौन सी फसल की हार्वेस्टिंग हो रही है अच्छा अगर हम सिख कैलेंडर के हिसाब से देखें तो इस इसी समय के दौरान वैशाख महीने की शुरुआत मानी जाती है और अगर हम इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से देखें तो ये थर्टीनथ या फोर्टीन अप्रैल को पड़ता है इस साल ये थर्टीन अप्रैल को वैशाखी पड़ रही है सिर्फ कल्चरल सिग्निफिकेंस नहीं है या सिर्फ एग्रीकल्चर एंगल से नहीं है कि चलिए फसल कट रही है तो हम आ, कुछ उत्सव मना लें बैसाखी एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी रखता है बिकॉज इसी दिन यानी थर्टीनथ अप्रैल को नाइन सिक्सटीन में 1699 में गुरु गोविंद सिंह जी जो कि टेंथ सिख गुरु थे उन्होंने खालसा पंथ की शुरुआत की थी ओके okay? सो so, खालसा ऑर्डर इट वाज गिवन बर्थ बाय गुरु गोविंद सिंह जी इनका uh, इनके इनका थॉट था इनके एफर्ट्स थे जिनके बेसिस पे खालसा समुदाय खालसा पंथ की नींव रखी गई थी ठीक है और खालसा फाइव के को फॉलो करते हैं पांच के के नियम मानते हैं ये तो बताइए वो पांच के क्या है पढ़ा चुकी हूँ एक बार पहले ठीक है राइट डाउन आगे बढ़ेंगे अच्छा अभी ना आ, कल ज, आ, आप देखोगे बहुत सारे और त्यौहार इंडिया के अंदर मनाए जाएंगे बिकॉज हम सन का मूवमेंट दूसरी राशि में यानी सोलर न्यू ईयर हिंदी हिंदू के हिसाब से मानते हैं हम ठीक है तो हिंदू सोलर न्यू ईयर जिसमें कि मेष राशि में सन का प्रवेश होता है मेष संक्रांति हम मानते हैं वो भी कल होगा तो कल इंडिया में अलग अलग जगह काफी सारे फेस्टिवल्स होंगे जिनका डिस्कशन हम मंडे को करेंगे कल क्यों नहीं करेंगे क्योंकि कल संडे है और कल वीकली करंट अफेयर्स आपके आएंगे डेली करंट अफेयर मंडे टू सैटरडे आता है ओके चलिए अब जहां एक और थर्टींथ अप्रैल को बैसाखी सेलिब्रेट हो रही है वहीं थर्टींथ अप्रैल को 1999 के अंदर एक मॉर्निंग डे था यानी कि एक एक दुखद एक गमी वाला दिन था और वो था जलियावाला बाग हत्याकांड से जुड़ा हुआ दिन जलियावाला बाग में सैकर। ये अप्रैल 1919 में हुआ था और ये जो इतने सारे हजारों की संख्या में लोग वहां इकट्ठे हुए थे जिन पे गोलीबारी की गई थी बहुत पॉपुलर एक, एक 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 हिस्टोरिकल इवेंट घटना है जिसके बारे में हम सभी जानते हैं तो ये लोग भी बैसाखी के इवेंट के चलते ही इकट्ठे हुए थे और साथ ही साथ ऑफकोर्स ये लोग एक मीटिंग भी कर रहे थे दो प्रोमिनेंट लोगों के गिरफ्तारी से रिलेटेड ठीक है तो जलियावाला बाग की थोड़ी सी बैकड्रॉप समझ लेते हैं देखिए थर्टींथ अप्रैल ट्वेंटी इस साल 105 साल पूरे हो चुके हैं जलियावाला बाग में के जो हत्याकांड किया गया था और इसके पीछे जो मेन व्यक्ति थे जिन्होंने ऑर्डर्स दिए थे वो थे ब्रिगेडियर जनरल रेगनेल सो डायर वाज़ द पर्सन हु हैड गिवन ऑर्डर्स जी ये जो इतने सारे हजार अप्रोक्सीमेटली ट्वेंटी थाउजेंड लोग माने जाते हैं कि जलियावाला बाग वो बाग नहीं था ग्राउंड था वहां पे इकट्ठे हुए थे वैसाखी सेलिब्रेशन भी था और साथ ही साथ ये लोग डिस्कशन कर रहे थे दो व्यक्तियों की गिरफ्तारी से रिलेटेड डॉक्टर सत्यपाल एंड डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू इन दोनों लोगों को रॉलेट एक्ट 1919 के चलते गिरफ्तार कर लिया गया था रॉलेट एक्ट 1919 लाया गया था कि भाई अगर आपको लग रहा है कोई संदिग्ध व्यक्ति है कोई भी पॉलिटिकल अड़चन पैदा कर सकते हैं कोई षड्यंत्र कर सकते हैं तो आप उनको बिना वारंट के बिना किसी रीजन के दिए आप उनको जेल में डाल सकते हो ओके और इसी के चलते दो प्रमुख व्यक्तियों को भी अरेस्ट कर लिया गया था इसी के चलते और बैसाखी को सेलिब्रेट करने के लिए दो पर्पजेज से करीब ट्वेंटी थाउजेंड लोग जलियांवाला बाग जो कि अमृतसर में वहाँ इकट्ठे हुए थे और मीटिंग पे जनरल मीटिंग पे पाबंदी थी और इसलिए जनरल डायर ने बोला कि नहीं हम सीधे ही गोली मारेंगे ओके और फिफ्टी गोरखा बालूची राइफलमैन ट्रूप जो थे ब्रिटिश आर्म, आ, आर्मी के अंदर उनको ऑर्डर दिए गए गोलीबारी करने के ठीक है और उसके चलते हजारों मतलब ऑफिशियल रिकॉर्ड तो कुछ हंड्रेड लोगों की हत्या बताते हैं लेकिन अगर आप अदरवाइज देखें तो मोर देन वन थाउजेंड पीपल डाइड इन दैट जलियावाला बाग मैसेकर अच्छा अब यहाँ पे दो लोगों के नाम प्रमुख रूप से ध्यान रखिएगा एक है उस समय जब जलियावाला बाग मैसेकर हुआ था हत्याकांड हुआ था तो लेफ्टिनेंट गवर्नर पंजाब के कौन थे वो थे डॉयर माइकल डॉयर और जो अमृतसर सिटी के इंचार्ज थे वो थे आर डायर जिनके ऑर्डर्स पे गोली चलाई गई थी ठीक है तो ये दो नाम अच्छे से याद रखिएगा रॉलेट एक्ट भी ध्यान रखिएगा कब पास की गई थी मार्च 10, 1919 और इसको ब्लैक एक्ट कहा गया था कि भाई आप बिना किसी ट्रायल के यानी कोई मुकदमा नहीं कोई दलील नहीं कोई वारंट नहीं कुछ नहीं आप सीधे जेल में डाल सकते हो ठीक है तो ये पूरा एक दुखद घटना और बैसाखी दोनों साथ में जैसे कि लाइफ में होता है ना खुशी और गम साथ में ही चलते हैं और आपको दोनों को इक्वली एक्सेप्ट करना होता है ये उसी का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है चलिए अब हम बढ़ते हैं एक और इम्पॉर्टेंट डे पे जिसमें स्पेस से जुड़ा हुआ ह्यूमन ने एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट किया था और उसी दिन को कमोमरेट करता हुआ हम ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट ट्वेल्थ ऑफ अप्रैल को कब ऑब्जर्व किया जाता है ये ट्वेल्थ ऑफ़ अप्रैल को थर्टीन अप्रैल की बात खत्म हो चुकी है बैसाखी हमने देख लिया जल्दवाला बाग मैसेकर हमने देख लिया बारह अप्रैल पर अगर हम चलें तो इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट यानी कि पहले व्यक्ति टू गो टू स्पेस वो इस दिन स्पेस में पहुंचे थे ट्वेल्थ अप्रैल 1961 कौन व्यक्ति थे फर्स्ट पर्सन टू गो टू स्पेस यूरी गागरिन सोवियत यूनियन से थे सो ट्वेल्थ अप्रैल 1961 को यूरी गागरिन सोवियत सिटीजन एंड एस्ट्रोनॉट उनको कॉस्मोनॉट कहा जाता था जो सोवियत से एस्ट्रोनॉट्स होते थे ना कॉल्ड कॉस्मोनॉट उन्होंने फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट की थी <coughs> ये रियल इमेज है उनकी एंड यूरी गागरिन की जो फ्लाइट थी वो वॉस्तॉक वन वॉस्तॉक वन और आज के दिन यानी ट्वेल्थ सॉरी आज नहीं ट्वेल्थ ऑफ अप्रैल के दिन 2024 की थीम क्या रखी गई इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट की एनकरेजिंग साइंटिफिक क्यूरियोसिटी सो स्पेस में हम क्यों जाते हैं बिकॉज वी आर क्यूरियस वहाँ क्या है क्या नहीं है ठीक है तो यूरी गागरिन जो कि सबसे पहले इंसान थे टू गो टू स्पेस इन 1961 वो ट्वेल्थ अप्रैल 1961 को स्पेस में पहुँचे थे वॉस्तॉक वन में राइट right? ओके okay. अब यहीं पे बात खत्म नहीं करेंगे यहां से कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक पॉइंट्स निकल सकते हैं पाइनियर स्पेस मिशन यानी पहली बार स्पेस से जुड़ा हुआ जो जो तीन चार सबसे इंपॉर्टेंट बातें वो मैंने उठा लिया आपके लिए ऐसे तो बहुत सारे मिशन हैं पाइनियरिंग लेकिन मैंने तीन चार पिक किए हैं इनिशियल टाइम के सो so, 1957 फिफ्टी शुरुआत में ना यूएसएसआर ने ही स्पेस से रिलेटेड बहुत सारा काम किया है नासा पिक्चर में थोड़ा लेट आया था सो नाइनटीन फिफ्टी में यूएसएसआर ने स्पुतनिक वन जो कि पहली सैटेलाइट थी स्पेस में वो लॉन्च की थी स्पुतनिक वन पहली सैटेलाइट इन स्पेस स्पेस 1961 यूएसएसआर वन वॉस्टॉक वन जिसमें यूरी गागरिन फर्स्ट पर्सन टू गो टू स्पेस बने थे फर्स्ट मैन फर्स्ट वुमेन स्पेस में कब गई थी ये भी नाइनटीन यू से गई थी नाइनटीन में दो साल बाद राइट right. और ये वॉस्टॉक सिक्स पे गई थी ये वॉस्टॉक वन पे गए थे सिक्स पे गई थी और नाम क्या है ओके okay? <coughs> अब सीधे वैलेंटीनाइन पे आइए जब नासा पिक्चर में आता है और अपोलो इलेवन मिशन के साथ में फर्स्ट मैन ऑन मून भेजता है ऐसा नहीं है कि नासा इससे पहले काम नहीं कर रहा था पर यह एक मेजर अचीवमेंट है नील आम कौन नील आम स्ट्रॉन्ग अलोंग विद अदर पीपल ऑफकोर्स फर्स्ट मैन ऑन मून नासा का मिशन था आट

ये सोशल रिफॉर्मर रहे और अपनी नवीन थिंकिंग के लिए नए तरह की सोच के लिए जाने जाते थे पर्टिकुलरली नाइनटीन सेंचुरी के अंदर ये देखो एटीन वाले टाइम को ही नाइनटीन सेंचुरी कहा जाता है उस समय इन्होंने एक एक रिवोल्यूशनरी सोच के साथ में काफी सारा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया जो समाज के अंदर महिलाओं को लेकर के दलितों को लेकर जो थाट चल रही थी उसके अगेंस्ट इन्होंने काम किया और सत्यशोधक समाज की नींव रखी ही फाउंडेड सत्य शोधक समाज जो दलित्स और विमेन के इमैनसिपेशन पे यानी उनके उत्थान पे काम करता था और पर्टिकुलरली महाराष्ट्र में इन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी एक्टिविटीज शो की इन्हीं की जो कैंपेन्स थी उन्हीं से अवेयरनेस और आगे बढ़ाई किन लोगों ने बी आर अम्बेडकर साहब ने महात्मा गांधी जी ने सो so ज्योतिबा फूले जी का जो एज अ सोशल रिफॉर्मर नींव रखने का काम बहुत प्रमुख रहा काफ़ी सारे इन्होंने स्कूल्स भी खोले पर्टिकुलरली गर्ल्स के लिए पुणे में और विडोज कि यंग जो हैं उनके लिए आश्रम बनवाए और विडो ज्योतिबा so, फूले जी <coughs> महात्मा ज्योतिराव फूले बर्थ एनिवर्सरी कब आती है इलेवेंथ अप्रैल को हम ऑब्जर्व करते हैं प्रेजेंट डे महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ ये सब हमने देख लिया है कास्ट को बिलोंग करते थे और इन्होंने सत्यशोधक समाज की फाउंडेशन रखी 1873 में इनका निधन कब हुआ 28 नवंबर 1890 में हुआ और कुछ इंपॉर्टेंट पब्लिकेशंस थी इनकी काफी सारी थी हमने एक दो ही ली हैं तृतीय तृतीय रत्न रत्न इन्होंने लिखी, गुलाम गिरी इन्होंने लिखी लिखी गुलामगिरी है बाकी मराठी के अंदर भी काफी इनकी रचनाएं है, रही हैं ठीक है चलिए सो so, ये सारे इंपॉर्टेंट डेज हमने खत्म किए यहां पे अब थोड़ा सा आपको पीडीएफ uh, के बारे में जानकारी दे, दे देती हूँ पर्टिकुलरली न्यू स्टूडेंट्स के लिए जरूरी रहती है पुराने बच्चों को सबको पता है तो आप तब तक, तक पानी का ब्रेक लेकर के आ जाइए कुछ सेकंड का सो so, देखिए आज हम जो भी कुछ पढ़ रहे हैं इसका पी आपको अवेलेबल हो जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट होता है हिंदी में अलग होता है इंग्लिश में अलग होता है परचम का टेलीग्राम चैनल है परचम क्लासेस नेम से ही है लिंक आपको लाइव चैट में पिन किया हुआ भी मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जहाँ टाइटल है वीडियो का उस पर क्लिक कीजिए मोर का ऑप्शन आएगा क्लिक कीजिए सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको वहाँ मिल जाएंगे ठीक है वहाँ से भी आप जा कर के टेलीग्राम एक्सेस कर सकते हो परचम ऐप आप अगर आपने डाउनलोड कर रखी है तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है और परचम ऐप में स्टोर सेक्शन है उसमें फ्री मटीरियल सेक्शन है वहां से आप पीडीएफ ले सकते हो अगर आपको मंथली कंपाइलेशन चाहिए वीकली कंपाइलेशन चाहिए जैसे मंथली मैगजीन है पूरी कॉम्प्रिहेंसिव मैगजीन होती है जो भी न्यूज है अलोंग विद स्टैटिक के कैटेगरी वाइज आपको बहुत अच्छे से असेंबल्ड मिल जाएगी ये आप कहाँ से ले सकते हो परचम क्लासेज डॉट इन वेबसाइट अपनी परचम डॉट इन है जब आप डाउनलोड करते हैं ना ध्यान दीजिए वहीं पे डाउनलोड लिंक आता है पेज रिफ़्रेश मत किया कीजिए उस पर क्लिक करके आप वहीं से डाउनलोड कर सकते हो नहीं तो मेल में भेजी जाती है आपको पी प्रॉब्लम आती है तो ई एड्रेस अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में, में बताऊँगी वहाँ लिखा करिए अगर आपको एम से पढ़ना है तो हम सवाल एम सी क्यू ई बुक लेकर के आते हैं हर महीने और यहीं पे एक मैं अपडेट दे दूं अगले महीने से हम इसमें 150 नहीं 200 हंड्रेड हर महीने आपके लिए लेकर के आएंगे ठीक है अभी 150 फिफ्टी एम सी क्यूज़ विथ एक्सप्लेनेशन होते हैं तो अगले महीने से 200 का आ जाएगा इनके सब्सक्रिप्शनस भी अवेलेबल हैं परचम ऐप से जाके आप सब्सक्रिप्शन चेकआउट कर सकते हो और कोई भी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो ये हेल्पलाइन नंबर्स हैं ये ई मेल एड्रेस है परचम क्लासेज जीरो सिक्स एट जी मेल डॉट कॉम ऐपचैट में भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो ठीक है चलें आगे बढ़े टाइमिंग का थोड़ा ध्यान रखिएगा संडे को हेल्पलाइन नंबर वगैरह अवेलेबल नहीं होते हैं सो मंडे टू सैटरडे अवेलेबल है आप मेल कर देना मंडे को टीम आपको रिस्पॉन्ड कर देगी अब हम कुछ छोटी 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 वाली न्यूज़ ले लेते हैं और फिर थोड़ी एक्सप्लेनेटरी न्यूज़ लेंगे जैसे आज हमें क्वैकर अली की जो यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स वगैरह हैं वो थोड़ी समझनी है सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया है कि भाई आ, जो इलेक्शन के अंदर कैंडिडेट्स खड़े हो रहे हैं उनको क्या जनता तक बताने की जरूरत है और अपनी क्या क्या संपत्ति है जिसके बारे में वो नहीं बताएं तो चलेगा ये भी थोड़ा सा एक छोटा सा मुद्दा है उसको हमें डिस्कस करना है पर उससे पहले कुछ वन पॉइंटर्स छोटे छोटे न्यूज़ देख लेते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बिकम्स फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर आफ्टर इंदिरा गांधी टू फीचर ऑन न्यूज़ वीक कवर न्यूज़ वीक एक मैगजीन है एक पॉपुलर मैगजीन है न्यूयॉर्क की ठीक है न्यूयॉर्क बेस्ड ये मैगजीन है इट इज अ वेरी पॉपुलर मैगजीन उसके अंदर इंडिया की पहली आ, मतलब इंडिया से कोई पहले प्राइम मिनिस्टर थे जो फीचर हुए थे कवर पेज पे तो वो इंदिरा गांधी जी थी और दोबारा अगर कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर फीचर हुए हैं तो वो नरेंद्र मोदी रहे हैं ठीक है तो ये एक वन लाइन न्यूज आपको ध्यान रखनी है इंदिरा गांधी कब फीचर हुई थी अप्रैल नाइनटीन के इशू पे और ये ट्वेंटी के इशू पे ठीक है अगली न्यूज देखते हैं एच बैंक पहला प्राइवेट बैंक बन गया है टू ओपन ब्रांच इन लक्षदीप एच डी एफ सी बैंक दर्स्ट प्राइवेट बैंक टू ओपन ब्रांच इन लक्षद्वीप लक्षद्वीप में भी कहाँ पे कवराती कवरात्रि आईलैंड जो है वहां पर एच डी एफ सी ने अपनी ब्रांच ओपन कर ली है और अब बैंकिंग को और पुख्ता किया जाएगा लक्ष्यदीप थोड़ा सा इंपॉर्टेंस में आ गया है हाईलाइट में आ गया है ठीक है अगली न्यूज देखते हैं मोदी मोदीज जो कि एक मोदीज एनालिटिक्स एक कंपनी है जो कि अपने इकोनॉमिक्स फिनेंस से रिलेटेड फोरकास्ट एंड ऑल आंकड़े रिलीज करती रहती है सो so, इनके हिसाब से इंडिया की जो जीडीपी है इट इज़ टू ग्रो एट 6.1 परसेंट इन 2024। ओके okay, 2023 में जहां 7.6 7.7 परसेंट का जीडीपी ग्रोथ इंडिया ने रजिस्टर किया था वहीं मोदीज के एनालिटिक्स का ये कहना है कि इंडिया की जी डी में सिक्स से ग्रो करेगी ओके okay, ठीक है वन लाइनर है ये मैंने सिर्फ एक शॉर्ट में वन लाइनर बता दिया है लेकिन अगर आपको इकोनॉमिक्स न्यूज फिनेंस न्यूज डिटेल में पढ़नी है स्पेशली जो भी बैंकिंग के बच्चे हैं तो आपके लिए अलग से वीकली बैंकिंग करंट अफेयर के सेशन लाए जाते हैं एक्सक्लूसिवली आप लोगों के लिए और वो आफरीन मैम लेती हैं संडे को शाम को सात बजे ठीक है सो डू नॉट मिस दैट आउट अगली न्यूज देखेंगे सुशील शर्मा अपॉइंटेड चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एस जे वी एन लिमिटेड एस जे वी एन याद है थोड़े टाइम पहले हमने न्यूज़ में पढ़ा था कि इसको दो अवार्ड मिले हैं कौन से अवार्ड थे 15th सी आई डी सी विश्वकर्मा अवार्ड से ट्वेंटी ट्वेंटी फोर जो कि सी आई डी सी यानी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल देता है और एस जे वी एन एक मिनी रत्न कंपनी है जिसको ये दो अवार्ड मिले थे कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते उसी एस जे वी एन लिमिटेड के सी एम डी नए अपॉइंट हो गए हैं कौन है सुशील शर्मा कितने सुशील लोग हैं ना ये कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि जो कंपनी है उसकी समाज के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आप समाज से ही आ, मदद लेते हो उन्हीं के लोगों को उन्हीं के रिसोर्स को यूज करके पैसा बनाते हो तो वो पैसा आपको समाज को लौटाना भी होता है तो आप एजुकेशन में हॉस्पिटल्स के अंदर अलग अलग तरीके से प्रोजेक्ट्स को फंड करते हो राइट right? एनवायरमेंट से रिलेटेड एट्सेट्रा तो बड़े सुशील कंपनी है तो सुशील शर्मा जी को सीएमडी बना दिया के लीजिए आप संभालिए ओके चलिए सो एस के बारे में देख लेते हैं मिनी रत्न कंपनी है मैंने मिनी रत्न समझाया था थोड़े दिन पहले कि उसके क्राइटेरिया क्या होते हैं मिनी रत्न कंपनी होती है नव रत्न कंपनी होती है महारत्न कंपनी होती है ये सब सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस यानी सरकार के अंडर में सेंट्रल मिनिस्ट्री के अंडर में आती हैं सो so, इसको एस को पहले सतलज जल विद्युत निगम कहा जाता था ओके okay? और अब इसको एस ही कहा जाता है इंडियन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन यानी पानी से बिजली बनाने के सेक्टर में काम करती है और 1988 में इसकी शुरुआत हुई थी तब किस नाम से हुई थी नाथपा झाकरी पावर कॉरपोरेशन के नाम से हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच का एक जॉइंट वेंचर था ये उस तरह से इसकी शुरुआत हुई थी ठीक है एस चलिए मुझे बता दीजिए ये एस जे वी एन हेड क्वार्ट है ठीक है इसका हेड हेडक्वार्टर कहां कहीं ना कहीं मार्क कर सकते हो देखिए मैरी कॉम से रिलेटेड हमने टाइम पहले एक न्यूज पढ़ी थी कि पेरिस ओलंपिक में इंडिया की तरफ से जो टीम जा रही है उसको शेफ द मिशन के तौर पे लीड कौन करेंगी यानी कौन मेंटो और गाइड बन के जाएंगी मैरी कॉम जाएंगी ठीक है इसी के साथ साथ हमने पढ़ा था कि फ्लैग बेरर कौन रहेंगे शरद कमल रहेंगे ध्यान है कुछ राइट तो शरद कमल इंडियन फ्लैग मेल फ्लैग बैर के तौर पे अपॉइंट किए गए फीमेल फ्लैग बैरर अभी नहीं अनाउंस की गई हैं वो भी होंगी और शेफ द मिशन को किया गया था बट नाउ है डाउन उन्होंने इस पोजीशन से खुद का नाम वापस ले लिया है किसी निजी कारणों की वजह से समझ में आ गई बात और बस ये न्यूज है तो ध्यान रखिएगा मेरी अब शेफ द मिशन नहीं है पेरिस ओलंपिक से रिलेटेड गॉट इट चलिए अगली न्यूज देखिएगा इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट से रिलेटेड ही है कि यूके ने पहली बार एक वुमेन हाई कमिश्नर अपॉइंट की है टू इंडिया यूके के हाई कमिश्नर टू इंडिया एक पोजिशन है जिसपे अभी तक मेल्स रहे हैं पहली बार एक फीमेल आई है नाम क्या है लिंडी कैमरॉन क्या नाम है लिंडी कैमरॉन तो लंडन यूके से लंडन लंडन से लिंडी लंडन लिंडी मिलते जुलते हैं याद रह जाएगा सो so यूके की चीफ ऑफ साइबर सिक्योरिटी रह चुकी हैं और अब यूके हाई कमिश्नर टू इंडिया कौन बनेंगी लिंडी कैमरॉन बनेंगी <coughs> नेक्स्ट न्यूज आ रही है कान फिल्म फेस्टिवल से रिलेटेड 2024 का जो होगा दो दिन पहले भी हमने इससे रिलेटेड एक न्यूज पढ़ी थी दैट पाम अवार्ड जो कि कान फिल्म फेस्टिवल का सबसे हाईएस्ट अवार्ड होता है वो किसको मिलेगा नाम घोषित हो चुका है पढ़ा था ना हाँ चलो जल्दी से लिख दो कॉमेंट सेक्शन में किसको मिलेगा सो ऑनर पाम है ना ये अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट जैसा ही होता है तो ये किसको दिया जाएगा नेम अनाउंस हुआ है, एक तो आप वो लिखोगे अब आज जो न्यूज़ है वो कान फिल्म फेस्टिवल से रिलेटेड ही है कि इंडिया की तरफ से 30 साल बाद एक फिल्म कंप्लीट करने जा रही है कान फिल्म फेस्टिवल में उस मूवी का नाम क्या है ऑल ऑल वी इमेजिन एज लाइट ऑल वी इमेजिन एज लाइट इज द मूवी और इंडिया की एंट्री है कान फिल्म फेस्टिवल में आफ्टर 30 इयर्स तो फर्स्ट फिल्म इन थर्टी ईयर्स टू कम्पीट ठीक है आप किसने लिखी है बनाई है डायरेक्ट किसने की है सो so, पायल कपाड़िया कैसे याद रख सकते हो हमारी पायल मैम है ना जो आपकी वीकली सी ए लेती है आपकी फिनेंस और इकोनॉमिक्स बैंक पॉलिटी और इकोनॉमिक्स की क्लासेस लेती है उससे याद रख सकते हो पायल मैम ने बनाई ऑल लाइट वी सी सो so, इससे पहले ये तो ट्वेंटी ट्वेंटी फोर में इंडिया की एंट्री हम बोल रहे हैं तीस साल के बाद हम भेज रहे हैं मतलब हमारी कोई मूवी कम्पीट करने जा रही है इससे पहले नाइनटीन नाइनटी फोर में एक मूवी गई थी कॉम्पीट करने स्वहम स्वहम और उससे भी पहले 1946 की अगर मैं आपको बात बताऊं तो अभी तक की एक ही मूवी रही है जिसने कान फिल्म फेस्टिवल के अंदर बेस्ट फिल्म का खिताब जीता है इंडियन मूवी एंड दैट इज नीचा नगर किसकी मूवी है ये चेतन आनंद की चेतन आनंद की नीचा नगर 1946 में बनी अकेली अभी तक की ऐसी फिल्म है ये जिसने नाइनटीन में पाम डे जीता ये ऑनरी पामडेर नहीं है ऑनरी पामडे लाइफ टाइम अचीवमेंट होता है ये पाम पामडेर है गोल्डन पाम जो बेस्ट फीचर बेस्ट फिल्म के लिए दिया जाता है ठीक है ऑल वी सी स्वहम और 1946 में अभी तक का अकेला पाम पामडियोर जीतने वाली इंडियन फिल्म नीचा नगर ठीक है जी आगे बढ़ेंगे क्वाकर अली साइम की रैंकिंग अब हमको पढ़नी है एशियन यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स नहीं है ये ग्लोबल या वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स हैं क्वाकरी क्यू एस क्या है क्यू एस क्वाकर अली साइम है एक एक इंस्टीट्यूशन एक बॉडी है जो कि यूनिवर्सिटी से रिलेटेड रैंक्स निकालती है लंडन बेस्ड एक फर्म है ओके हायर एजुकेशन यानी कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी लेवल की रैंकिंग्स निकालती है और उसी ने अभी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स बाय सब्जेक्ट निकाली है यानी सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट अलग अलग, अलग वर्ल्ड में कौन सी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया के इंडिया के लिहाज से क्या इंपॉर्टेंट है कि कौन सी इंडियन यूनिवर्सिटीज़ टॉप पे गई हैं ठीक है सो चलिए इंडिया से जे एन यू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एंड आई आई एम्स आर अमंग टॉप इंस्टीट्यूट इन क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट 2024। ट्वेंटी सो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट 2024 रिलीज हुई उसमें अलग अलग कैटेगरीज में जैसे कि हम बात करें तो डेवलपमेंटल स्टडीज में टॉप इंडिया से कौन सी रही है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी रही है जे रही है अब यहाँ पे एक और चीज़ समझिएगा अगर ये कहा जाए कि टॉप यूनिवर्सिटी फ्रॉम इंडिया इन दिस रैंकिंग तो भी हम जे कह रहे हैं क्यों क्योंकि ग्लोबल लेवल पे जे ने ट्वेंटियथ रैंक हासिल किया है हालांकि समझिएगा बात को हालांकि इन्होंने सिर्फ डेवलपमेंट स्टडीज़ के कैटेगरी में किया है लेकिन ऐसा कोई भी इंडियन इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी नहीं है जो ग्लोबली ट्वेंटियथ रैंक लाया हो अपनी अपनी कैटेगरी में बाकी सब इससे नीचे ही लाए हैं इसीलिए अगर हम बोले ओवरऑल बेस्ट रैंक किसी यूनिवर्सिटी का इस रैंकिंग में इंडिया से तो वो जे हो जाएगी ठीक है तो डेवलपमेंटल स्टडीज से जे ने इंडिया में टॉप किया है ओवरऑल रैंकिंग में इंडिया में जे ने टॉप किया है और ग्लोबली ट्वेल्थ ट्वेंटियथ रैंक पे आई है डेवलपमेंटल स्टडीज में ठीक है अब हम बात करते हैं आई की सो आई एम अहमदाबाद बेंगलुरु एंड कोलकाता ये तीन हैं जो कि टॉप रैंकिंग्स में देखे गए हैं इनमें से भी बेस्ट रैंकिंग रही आई एम अहमदाबाद की सो आई एम अहमदाबाद टॉप 25 फाइव इंस्टीट्यूशन में ग्लोबली अपनी जगह बना पाया कौन सी कैटेगरी में बिजनेस एंड मैनेजमेंट कैटेगरी के अंदर ठीक है सब्जेक्ट वाइज है ना सो बिजनेस एंड मैनेजमेंट में आई एम अहमदाबाद ने इंडिया से टॉप किया है ग्लोबली कौन से रैंक पे है टॉप 25 में है और बेंगलुरु एंड कोलकाता टॉप 50 में आए हैं ठीक है डेंटिस्ट्री स्टडीज की अगर हम बात करें इंडिया से कौन से इंस्टीट्यूशन ने टॉप किया है सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज चेन्नई बेस्ड है ये ग्लोबली ट्वेंटी रैंक लेकर के आया है ठीक है तो देखो किसी का ट्वेंटी रैंक है किसी का ट्वेंटी है ट्वेंटी रैंक के साथ जे ने इंडिया से टॉप किया है और ग्लोबली ये सारे इंस्टीट्यूशन है जो अच्छी रैंकिंग लाए हैं ठीक है ओवरऑल अगर हम देखें इस पूरी रैंकिंग में 69 इंडियन यूनिवर्सिटीज़ हैं जो शामिल हुई हैं जिनकी रैंकिंग अच्छी आई है 69 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं और ये सिर्फ यूनिवर्सिटीज हैं इंस्टीट्यूशन की बात मैं नहीं कर रही हूँ ठीक है अगर हम टोटल इंस्टीट्यूशन देखें तो इंडिया के टोटल फोर फिफ्टी रैंक्ड एंट्रीज रही हैं यूनिवर्सिटी सिक्सटी ठीक है 69, और एशिया से एशिया से हमारा सेकंड नंबर पे रिप्रेजेंटेशन रहा है मतलब हमारी जो टोटल यूनिवर्सिटीज़ इस रैंकिंग में आई हैं टॉप रैंकिंग्स में वो सेकंड नंबर पे रही हैं पूरे एशिया से टॉप नंबर पे कौन सी कंट्री है जिसकी सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ आई चाइना सो चाइना से 101 यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंट हुई इस लिस्ट में और इंडिया से सिक्सटी और हम सेकेंड रैंक पे रहे ये यूनिवर्सिटी है ओवरऑल इंस्टीट्यूशन की बात करें तो इंडिया फोर्थ रैंक पे रहा ठीक रेप्रजेंटेशन में सबसे पहले चाइना फिर जापान फिर साउथ कोरिया और फिर इंडिया का नंबर आया ठीक है चलिए सो so, ये समझ में आ गया ऑल राइट right. आगे थोड़ी और इसमें एनालिसिस बताए गए हैं दैट इंटरनेशनल रिसर्च नेटवर्क इंडिकेटर में 16 परसेंट ग्रोथ इंडिया की दर्ज हुई है यानी कि इंडिया इज परफॉर्मिंग बेटर इन केस ऑफ रिसर्च राइट एंड इंडिया स्टैंड वन ऑफ वर्ल्ड मोस्ट रैपिडली एक्सपैंडिंग रिसर्च सेंटर्स अगर हम 2017 से 2022 की बात करें ठीक है 2017 से 2022 तक का अगर हम देखें तो मोर देन 50 परसेंट यानी 54 परसेंट रिसर्च आउटपुट हमारा बढ़ा है यानी जैसे रिसर्च पेपर्स लिखे जाते हैं ना स्टडी की रिसर्च की और फिर आप अपने रिसर्च पेपर्स लिखते हो इंटरनेशनल फोरम पे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस या प्लेटफॉर्म पे वो छपते हैं राइट तो उसमें इंडिया ने बहुत ग्रोथ हासिल की है फिफ्टी हमारा रिसर्च वर्क इंक्रूव इम्प्रूव हुआ है और वर्ल्ड में फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रिसर्च हम बन करके उभरे हैं आफ्टर आफ्टर चाइना यूएस एंड यूके इंडिया का नंबर आता है गॉट इट चलिए यहां तक की क्लैरिटी मिल गई आपको आगे बढ़ेंगे अब जो न्यूज है वो सुप्रीम कोर्ट के एक वर्डिक्स से रिलेटेड है <coughs> तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में एक फैसला सुनाया उसमें एक केस आया था सुप्रीम कोर्ट के पास कि भाई अरुणाचल से एक कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीते हुए व्यक्ति थे और थोड़े साल पहले उन्होंने अपनी सीट जीती थी और अब जाकर के वो सीट खारिज करने की बात की जा रही है कि नहीं आप इस पोजीशन को होल्ड नहीं कर सकते हो क्योंकि आपने अपनी सारी संपत्ति अनाउंस नहीं की थी तो कहीं ना कहीं आपने करप्ट कुछ काम किया है आपने अपने तीन गाड़ियों का ब्यौरा नहीं दिया था ओके जहां आपको अपनी सारी संपत्ति का ब्यौरा देना होता है ना कैंडिडेट्स को आ, के भाई आम जनता के सामने रखा जाता है हमारे पास ये चल अचल संपत्ति है मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसमें उन्होंने तीन गाड़ियों का ब्यौरा नहीं दिया और उस केस को बढ़ते बढ़ते सुप्रीम कोर्ट तक लाया गया सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जो रूलिंग दी उसमें ये कहा कि भाई आपके जो मूवेबल असेट है जो यहां से वहां आप रख सकते हो जरूरी नहीं है आपको सारे असेट्स की घोषणा करनी है प्रोवाइडेड अगर वो लग्जूरियस गुड्स नहीं हो जैसे कि ये जो तीन गाड़ियां थी जो इन्होंने अनाउंस नहीं की थी वो बिल्कुल ऐसी थी जिनको स्क्रैप में ही देना था वो फाइनली कटती गाड़ियां किसी काम की नहीं थी तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रूलिंग में क्या कहा उन्होंने कहा दैट वोटर हैज नो एब्सोलूट राइट टू नो अबाउट ईच एंड एवरी एसेट ऑफ अ कैंडिडेट वोटर को क्या लेना देना है भाई मेरे पास कितनी खटारा गाड़ियाँ पड़ी हैं कुछ लेना देना है नहीं लेना देना है उनको क्या लेना देना है मेरे पास कितनी डायरीज हैं अनलेस वो बहुत कीमती डायरीज हो गोल्ड की हों डायमंड लगी हुई हों वो अलग बात है राइट सो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वोटर को कोई अधिकार नहीं है कि हर एक चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए एवरी कैंडिडेट हैज अ राइट ऑफ प्रिवेसी राइट टू प्रिवसी होनी चाहिए है उसके पास दे नीड नॉट डिस्कलोड एवरी एसेट ओन्ड बाय देम एंड देयर फैमिली अनलेस ये अनलेस बहुत इंपॉर्टेंट है अनलेस दे रिफ्लेक्ट अ लग्जूरियस लाइफ स्टाइल ऐसी मूवेबल प्रॉपर्टी जिससे कि आपकी लग्जूरियस लाइफ स्टाइल का पता चलता है मान लीजिए आपके पास तीन घड़ियां हैं और वो नॉर्मल सी घड़ियां हैं बेचारी सस्ती सस्ती सी घड़ियां हैं तो आपको उनको डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है हाँ लेकिन अगर यही तीन घड़ियां लाखों की हैं मेरी घड़ी लाखों की नहीं है ना अगर ऐसी तीन घड़ियां लाखों की हैं तो डेफिनेटली आपको डिस्क्लोज करने की जरूरत है सो so, इस वर्डिक्ट को हमें थोड़ा देख लेना है और इसी से रिलेटेड हम थोड़े आर्टिकल और थोड़ी एक्ट की भी बात करेंगे सो कैंडिडेट्स हैव अ राइट टू प्रिवेसी फ्रॉम वोटर्स ये सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया है और उसके अंदर भी कौन जजेस हैं सो जस्टिस अनिरुद्ध बोस एंड संजय कुमार अब आप ये बोलोगे मैम वो अरुणाचल के कौन से नेता थे पोलिटिशियन थे जिनका ये केस था नॉट इम्पॉर्टेंट नॉट सिग्निफिकेंट दैट विल नॉट बी आस्ट राइट जज का नाम आप देख लीजिए जो वर्डिक्ट है वो समझ लीजिए दैट इज इम्पॉर्टेंट एंड दैट इज वैव इंक्लूडेडेड ठीक है सो अ वोटर हैज नो एब्सोलूट राइट टू नो जो आपके मतलब की चीज़ नहीं है आपको जानने की जरूरत नहीं है और ऐसी इरेलीवेंट इंफॉर्मेशन को अगर कैंडिडेट नहीं बता रहा तो उससे करप्ट प्रैक्टिस नहीं माना जाएगा अंडर सेक्शन 123 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का सेक्शन 123 करप्ट प्रैक्टिस से डील करता हुआ है कि ये आपने करप्ट प्रैक्टिस की है ये आपने गड़बड़ किया है ठीक है लेकिन अगर आप ऐसी इंफॉर्मेशन अपने तक रख रहे हो जिसका लोगों से कोई लेना देना नहीं है कोई लग्जरी से रिलेटेड नहीं है आपकी ऐसी मूवेबल प्रॉपर्टी जो सिग्निफिकेंट ही नहीं है वो आपको Disclose अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप कर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो सच नॉन डिस्कलोशियल नेचर बहुत बड़ा अगर आपने कोई डिफेक्ट कर दिया है लेकिन इस तरह के, के केस में यह डिफेक्ट नहीं काउंट किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी रूल किया समझ में आ गई बात अब देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर चैप्टर फिफ्टीन है, है ना उस चैप्टर 15 के अंदर कुछ आर्टिकल्स मैंशन हैं जो इलेक्शन से रिलेटेड हैं कंडक्ट कैसे इलेक्शन कंडक्ट करने चाहिए ऑल तो पहले तो आप वो आर्टिकल मुझे बताइए ठीक है कौन कौन से आर्टिकल्स हैं कहाँ से लेके कौन से आर्टिकल्स हैं जो हाउ टू कंडक्ट इलेक्शन या इलेक्शन से रिलेटेड हैं बेसिकली नाउ 1950 के अंदर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आता है 1951 में ही <coughs> आर्टिकल्स तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिए ले, लेकिन अब उनको प्रॉपरली ग्राउंड रियलिटी पे लाने के लिए प्रॉपरली इलेक्शन कंडक्ट करवाने के लिए जो हमने आर्टिकल्स बनाए हैं उनको फॉलो करवाने के लिए एक एक्ट लाया जाता है दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट नाइनटीन ठीक है ये एक्ट उन लॉज जो कि गवर्न कर रहे हैं इलेक्शन को साथ में मिलकर के इलेक्टोरल प्रोसेस की इंटेग्रिटी के फेयर इलेक्शंस हो इंडिया में ये इंश्योर करते हैं ठीक है तो इस एक्ट में स्पेसिफिक प्रोसीजर्स लिखे हुए हैं हर चीज के कि क्या चीज़ कैसे कब कहाँ होनी चाहिए जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी जो इलेक्शन कंडक्ट करेगी उसके बारे में सारी बातें हैं पॉलिटिकल पार्टी का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसा होना चाहिए स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें हैं पोल कैसे होगा बाय इलेक्शंस करवाने हैं तो कैसे हो इलेक्शन का कोई डिस्प्यूट आ जाता है तो कैसे रिजॉल्व होगा इलेक्शन ऑफेंसेस कौन कौन से हैं एक्चुअल कंडक्ट जो इलेक्शन का है जो करवाए जाएंगे इलेक्शन वो कैसे करवाए जाएंगे तो ये सब कुछ कहाँ लिखे थे आपका इस नाइनटीन एक्ट के अंदर ठीक है जी क्लैरिटी मिल गई अगली न्यूज पर चलेंगे अगली न्यूज अगेन छोटी सी न्यूज है कि पहले भारतीय स्पेस टूरिस्ट बनने जा रहे हैं कौन गोपीचंद थोटकुरा सो गोपीचंद थोटकुड़ा सेट टू बी द फर्स्ट इंडियन स्पेस टूरिस्ट अभी ट्रेंड चल रहा है ना अलग अलग जो कंपनीज़ हैं प्राइवेट कंपनीज़ इंटरनेशनल वो बहुत अमीर अमीर लोग जो स्पेस टूरिज्म को अफोर्ड कर सकते हैं तो वो स्पेस में जाते हैं वहाँ से धरती देखते सब देखते हैं और लौट करके आते हैं जैसे लोग इंडिया में टूरिज्म के लिए आते हैं कुछ लोग स्पेस में जाते हैं तो ऐसे ही एक व्यक्ति जो कि इंडियन है और अभी यू में अपना काम कर रहे हैं तो फर्स्ट इंडियन स्पेस टूरिस्ट कौन बनने जा रहे हैं गोपीचंद थोटकुड़ा सो so, गोपी गोपी से मिलने जा रहे होंगे स्पेस में वहाँ मिल जाएं कृष्ण की गोपियाँ है ना ऐसा कुछ याद कर सकते हो ओके सो ही विल बी वन ऑफ द सिक्स क्रू मेंबर्स एमेजोन के जो फाउंडर हैं जेफ़ बिजोज उनकी एक स्पेस कंपनी है ब्लू ओरिजिन ब्लू ओरिजिन किसकी कंपनी है जेफ़ बिजोज की है उन्हीं का उन्हीं की कंपनी का एक मिशन है मिशन का नाम है न्यू शेफर्ड ट्वेंटी फाइव तो न्यू शेफर्ड ट्वेंटी फाइव के अंदर छह क्रू मेंबर्स स्पेस में जाएंगे स्पेस टूरिज्म के लिए उनमें से एक हैं गोपीचंद चंद थोटकुड़ा ठीक है और ये जो लोग हैं ये कार्मन लाइन को क्रॉस करते हैं सरप्राइज करते हैं अब ये कार्बन लाइन क्या है सो so, कार्बन लाइन बेसिकली अर्थ के अटमोस्फेर को स्पेस से डीमार्केट करने वाली एक इमेजिनरी लाइन है और ये अर्थ के सी लेवल से अप्रॉक्सीमेटली हंड्रेड किलोमीटर अबव मानी जाती है कि धरती जो है उससे करीब हंड्रेड किलोमीटर ऊपर एक इमेजिनरी लाइन है और उसके बाहर का जो एरिया है वो स्पेस माना जाता है दैट इज इट इज एन इंटरनेशनल बाउंड्री ऑफ स्पेस इंटरनेशनली अक्लेम किया जाता है माना जाता है इंटरनेशनली इसको कि इट इज अ बाउंड्री ऑफ स्पेस ठीक है तो जो भी एयरक्राफ्ट यहाँ से उड़ के जाते हैं यहाँ तक तो वो एक पर्टिकुलर तरीके से बिहेव करते हैं थर्मोडाइनमिक प्रिंसिपल अलग वर्क करते हैं इस लाइन को इस कार्बन लाइन को क्रॉस करते ही उनका बिहेवियर चेंज होता है बिकॉज यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर uh, धरती वाला है नहीं यहाँ पे स्पेस चालू हो जाता है तो यहाँ पे कुछ डिफरेंट प्रिंसिपल्स वर्क राइट right? और नॉर्मली भी ऐसा कहा जाता है कि एस्ट्रोनॉट एस्ट्रोनॉट कब कहलाता है जब वो ये कार्बन लाइन क्रॉस कर जाए यानी वो स्पेस में पहुंचेगा तभी तो एस्ट्रोनॉट कहलाएगा तो कार्बन लाइन जब आप क्रॉस करते हो आप स्पेस में पहुंच चुके होते हो राइट सो कार्बन लाइन क्या है समझ में आ गई इसको थियोडोर वॉन कार्मन ने जो कि एक हंगेरियन अमेरिकन इंजीनियर और फिजिसिस्ट थे उनके ऊपर ये नाम दिया गया है ही हैड टॉक्ड अबाउट दिस लाइन सो अर्थ के अलग अलग एटमॉस्फेयर के लेयर्स है ना ट्रोपोस्फेयर स्ट्रेटोस्र मीजोस्फेर थर्मोस्फेर आइनोस्फेर एक्सोस्फेयर ऐसे है ना सो यहाँ पे आपको थर्मोस्फेर के अंदर ये कार्बन लाइन देखने को देखने को तो नहीं मिलेगी इमेजिनरी है मूविंग ओवर टू अनदर न्यूज न्यूज अब ये अवार्ड कैटेगरी की एक है लोकेश मुनी क्या नाम है लोकेश मुनी हैज बिन ऑनर्ड विथ अमेरिकन प्रेजिडेंट गोल्ड वॉल्टियर सर्विस अवार्ड अमेरिकन प्रेजिडेंट गोल्ड वॉलेंटियर सर्विस अवार्ड दिया जाता है अमेरिकन के प्रेसिडेंट के नेम में और भारत से पहले किसी मंक को किसी साधु को किसी मुनि को ये अवार्ड दिया जा रहा है मंक को यानी साधु को एंड दैट इज लोकेश मुनि जैन आचार्य हैं ये लोकेश मुनि इनको ये अवार्ड मिलेगा और ये फाउंडर हैं एक एन के अहिंसा विश्व भारत एंड वर्ल्ड पीस सेंटर इंडिया के अंदर ये चलाते हैं और ये जो अवार्ड है अमेरिकन प्रेजिडेंस ये जो वॉल्टियर सर्विस अवार्ड है 2003 में इसकी शुरुआत की गई थी जॉर्ज बुश की प्रेसिडेंसी के टाइम और लोकेश मुनी जी को ये अवार्ड मिल रहा है जो बाइडेन की प्रेसिडेंसी के टाइम ठीक है तो ये एक वन लाइनर जैसी न्यूज याद रख लीजिएगा दिस विल बी दी लास्ट न्यूज इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये इसके बाद हम रिविजन क्वेश्चन पे मूव करेंगे सो so, इसरो का जो चंद्रयान थ्री मिशन था और उसकी जो टीम है इसरो चंद्रयान थ्री टीम इट हैज रिसीव्ड जॉन एल जैक स्विगर्ड जूनियर अवार्ड एट स्पेस सिंपोजियम ये एक यूएस बेस्ड स्पेस फाउंडेशन है और उसका एक बहुत हाई लेवल का अवार्ड है जो कि चंद्रयान थ्री टीम को दिया गया है अवार्ड का नाम क्या है जॉन एल जैक स्विगर्ड जूनियर अवार्ड क्यों दिया गया तो जब कभी भी स्पेस से रिलेटेड कोई अनोखा काम किया जाता है किसी ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन एजेंसी के द्वारा तो ये अवार्ड हर साल दिए जाते हैं और इसरो चंद्रयान थ्री मिशन की खास बात क्या थी हम साउथ पोल के नियर बाय पहुंचे थे है ना तो इसी के चलते इसरो के चंद्रयान थ्री टीम को ये अवार्ड दिया गया है बस इतना सा ध्यान रखेंगे चलिए जी सो so आज की जो न्यूज थी वो खत्म हो गई है यहीं पे मैं बता दूं एक दो न्यूज और ऐसी हैं जो मैंने आज इनकॉपरेट नहीं की हैं आई एल बी टेकिंग ऑन मंडे फॉर यू ठीक है you, कल संडे है कल आपका दिन में 12 बजे वीकली सेशन आएगा जो पायल मैम लेंगी पूरे हफ्ते का रिवीजन और शाम को 7 बजे बैंकिंग करंट अफेयर्स आएगा जो आफरीन मैम लेंगी पर्टिकुलरली बैंकिंग बच्चों के लिए है ना मंडे को दिन में 12 बजे हम फिर मिलेंगे डेली सीए सेशन के साथ तो एक दो न्यूज जो मैंने छोड़ी है डेलीबरेटली आई एल बी टेकिंग अप दैट डे राइट चलिए जिन बच्चों को नहीं पता और वो एस की तैयारी कर रहे हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं कि आ, मैं जनरल अवेयरनेस कहाँ से तैयार करूँ तो उनको मैं बता दूँ आप परचम ऐप पे जा कर के चाहें तो ये कोर्स चेकआउट कर सकते हैं आप मैथ रीजनिंग इंग्लिश पे तो फुल फोकस करते ही हो राइट करना भी होता है करंट अफेयर आप लोग पढ़ लेते हो परचम से आप अच्छे से तैयार कर सकते हो जनरल अवेयरनेस आपके लिए एक डिसाइसिव एरिया हो सकता है यानी कि ये आपके सिलेक्शन होने न होने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है अगर आपने इस पर पकड़ बना ली बिकॉज इसको अधिकतर बच्चे फॉर ग्रांटेड छोड़ देते हैं राइट right? कितना सारा कौन पढ़ेगा तो ये एक बहुत ही कस्टमाइज्ड हाईली हाईली यूजफुल आपके लिए प्रोग्राम लाया गया हिस्ट्री जोग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक साइंस और स्टैटिक जीके का कंपाइलेशन इसमें आपको मिलेगा रिकॉर्डेड लेक्चर्स रखे गए हैं ताकि आपको ज्यादा समय नहीं देना पड़े लाइव लेक्चर में चार बच्चे कुछ पूछते हैं आठ बच्चे ऐसे ही बैठ के अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं वी डू नॉट प्रेफर दैट सो so, आप आपके लिए हाईली स्पेशलाइज लेक्चर्स रिकॉर्ड किए गए हैं डाउनलोडेबल पीडीएफ है प्रिंट चाहें तो ले सकते हैं प्रॉब्लम आएगी तो सेशन अरेंज किया जाएगा लाइव उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अभी तक बच्चों को प्रॉब्लम नहीं आई है अभी तक लाइव सेशन की जरूरत नहीं पड़ी है जरूरत होगी तो डेफिनेटली विल बी टेकिंग मॉक टेस्ट होंगे पी डिस्कशन है काफी अच्छा एक प्रोग्राम आपके लिए बनाया गया है यू कैन चेक इट आउट ये सब्जेक्ट एक साथ मिल जाएंगे जीए कोर्स में अलग से भी मिल जाएंगे मान लीजिए आपको सिर्फ स्टैटिक जी कोर्स लेना है जिसमें मैंने पढ़ा रखा है निमोनिक से तो ये अलग से भी मिल जाएगा परचम ऐप पर चेकआउट कर लीजिए डिस्काउंट एट्सेट्रा अवेलेबल है प्लीज अवेल दम एस एस सी जनरल अवेयरनेस की टेस्ट सीरीज भी मौजूद है आपने पढ़ लिया और आप बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो मोर देन फाइव थाउजेंड क्वेश्चन का ये पूरा कंपाइलेशन है सब्जेक्ट वाइज आपको टॉपिक वाइज मिल जाएंगे अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं टी ओ वन टी टू दोनों लेवल तक को जस्टिफाई करेंगे ठीक है तो ये भी आप चेकआउट कर सकते हो परचम ऐप के ऊपर चलिए अब हम बढ़ें हमारे रिविजन क्वेश्चन की तरफ पहला क्वेश्चन आ रहा है आंसर कीजिएगा जल्दी से विच फिल्म विल बी द फर्स्ट इंडियन फिल्म टू कम्पीट एट कॉन्स फिल्म फेस्टिवल इन थर्टी ईयर्स तीन तीस साल बाद एक इंडियन फिल्म कान फिल्म फेस्टिवल में कम्पीट करने जा रही है उसका नाम क्या है पायल मैम ने बनाई है ना ये हमने से याद किया था ऑल वी इमेजिन एज लाइट ओके नेक्स्ट हु इज टू बिकम द फर्स्ट इंडियन टूरिस्ट टू वेंचर into space स्पेस स्पेस में जाने वाले पहले भारतीय टूरिस्ट कौन बनने जा रहे हैं एस्ट्रोनॉट की बात नहीं कर रहे ध्यान रखिएगा टूरिस्ट की बात करें स्पेस टूरिस्ट कौन बनने जा रहे हैं गोपीचंद थोटकुड़ा ओके हु हैज बिन अपॉइंटेड एज यूकेस्ट वुमेन हाई कमिश्नर टू इंडिया यूके ने पहली बार किसी महिला हाई कमिश्नर टू इंडिया को अपॉइंट किया है नाम क्या है लंडन से लिंडी लिंडी कैमरॉन, नेक्स्ट टली बिकेम दर्स्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक टू ओपन ब्रांच इन लक्षद्वीप लक्षद्वीप में अपनी ब्रांच ओपन करने वाला पहला प्राइवेट बैंक कौन सा बन गया है एच डी एफ सी बन गया है बिल्कुल सही है जी ओके प्रीवियस डेज के क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ हु इज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ आयरलैंड बिकमिंग दंट्रीज यंगेस्ट एवर प्राइम मिनिस्टर आयरलैंड को हाल ही में अपने सबसे युवा प्रधानमंत्री मिले हैं क्या नाम है उनका क्या नाम है साइमन हैरिस आप इसको ऐसे भी कर सकते हो इनको कोई हरास ना करें भैया है ना सबसे छोटे प्राइम मिनिस्टर है ना उम्र में थर्टी सेवन समथिंग ईयर के ही हैं तो ऐसे कोई इनको परेशान ना करे हैरस ना करे इससे याद रख सकते हो होरिस है ना चलिए धमकाए धमकाएका नहीं कोई इनको हु विल बी ऑनर्ड एन ऑनरे पान डे और एट ट्वेंटी ट्वेंटी फोर कान फिल्म फेस्टिवल ये तो मैंने आपसे पूछा था अभी बीच में क्वेश्चन यहीं पर आ गया वापस कोई बात नहीं सो हु विल बी ऑनर्ड विनररी ऑनररी जो हाइएस्ट अवार्ड है कान फिल्म फेस्टिवल का पाम डे और 2024 किसको दिया जाएगा जॉर्ज ल्यूकास सितवे पोर्ट इज अ पार्ट ऑफ विच मल्टी मॉडल ट्रांसिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट सितवे पोर्ट हमने थोड़े दिनों पहले पढ़ा था कि सितवे पोर्ट म्यांमार में है और इंडिया ने उस पर पूरा ऑपरेशनल कंट्रोल ले लिया लेकिन वहाँ पे काफ़ी अनरेस्ट की सिचुएशन है और इस वजह से अभी हमने थोड़ा सा खुद को रिट्रैक बैक किया है, है ना थोड़ा सा आ, अपने लोगों को वहाँ से हटाया है सित्वेपोत म्यांमार में है और वो कौन से मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट का हिस्सा है कालादान प्रोजेक्ट का ताकि हम कोलकाता से बे ऑफ बंगाल होते हुए म्यांमार होते हुए मिजोरम और त्रिपुरा को एक्सेस कर सके एंड दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे दिखने में बड़ा लग रहा है बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है घबराना नहीं है बड़ा क्वेश्चन देख करके कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग यूएस रैंकिंग बाय सब्जेक्ट 2024 ट्वेंटी फोर क्वैकर हमने देखी बाय सब्जेक्ट 2024 उससे रिलेटेड ये दो स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं आपको बताना है कौन सा करेक्ट नहीं है ठीक है ये हो गया आज का सेशन खत्म अब बच्चे बोलेंगे मैम आज का थॉट ऑफ द डे सो आज का ना एक छोटा सा थॉट है बाकी बच्चों सेशन खत्म हो चुका है पढ़ाई हो चुकी है आप चाहें तो जा सकते हैं सो so, आज का थॉट सिर्फ इतना सा है कभी कभी बेमतलब भी किसी की भलाई किसी का अच्छा कर देना चाहिए विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी थिंग इन रिटर्न आजकल का थोड़ा सा टाइम हवा थोड़ी सी बदली है, है ना पहले आप अकारण अहेतु किसी पे कृपा कर दिया करते थे अहेतु की कृपा समझते हैं अकारण किसी के ऊपर कृपा कर देना किसी की मदद कर देना सो so, पहले हम ज्यादा कर दिया करते थे आजकल कर मैं ऐसा नहीं कह रही हूं हर कोई नहीं कर रहा लेकिन फिर भी ट्रेंड थोड़ा ऐसा है कि हम उसी की मदद करना पसंद करते हैं जिससे हमें बदले में कोई मदद मिलने के आसार हो अपॉर्चुनिस्टिक होते जा रहे हैं हम इससे मेरा फायदा हो सकता है चलो इससे थोड़े रिलेशंस बना लें है ना इनसे थोड़ी बातचीत रख लें ये फ्यूचर में मेरे काम आ सकता है तो चलिए इसको अपनी गुड बुक्स में रख लें या इसकी गुड बुक्स में आ जाए राइट लेकिन आज का थॉट सिर्फ इतना है कि बिना ये सोचे कि शायद ये मुझे फ्यूचर में कहीं काम आ जाए शायद ये मेरे फ्यूचर में कहीं मदद कर दे बिना सोचे कभी कभी किसी की पूरे मन से मदद कर देनी चाहिए सो ऑन दिस नोट आई टेक योर लीव टुडे और अब हम मिलेंगे मंडे को दिन में बारह बजे टेक केयर ऑफ योर सेल्फ बाय